हेलो एवरीवन, मैं हूँ सादिया और मैं आ गई हूँ आप लोग के लिए एक न्यू वीडियो लेके। सॉरी, मेरी वीडियो आने में थोड़ा टाइम लग गया, और जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ जाएं और सब्सक्राइब करें। जिन्होंने कर दिया है उनके लिए थैंक यू सो मच। तो आप ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहेंगे तो मैं अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आऊँगी। तो आज की जो हमारी होम रेमेडी है वो है इंस्टेंट ग्लो के लिए है, हमारे स्किन के लिए है। तो अगर हमें कहीं पार्टी में जाना है या हमें कुछ भी कहीं भी ट्राई करना है या हमें नॉर्मल अपने स्किन को के जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए कुछ चाहिए करना है तो हम ट्राई करते हैं कि हम इस होम रेमेडी को अप्लाई करें और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगी। तो ये सारे स्किन टाइप के लिए है। मैं आगे आपको वीडियो में बताऊँगी कौन सी स्किन टाइप उसको किसने कितने टाइम पर यूज़ कर सकती है। तो चलिए हम चलते हैं कि हम क्या देखते हैं क्या क्या हमें इंग्रेडिएंट यूज़ करने हैं और हमें स्किन को कैसे बनाना है। चलिए चलते हैं। तो ये है हमारे इंग्रेडिएंट्स। हमने लिया है बेसन, हल्दी, दूध और नींबू। तो ये जो मास्क है वो ड्राई स्किन वाले हफ्ते में एक बार लगाएं, क्योंकि वरना आपकी स्किन और ड्राई हो जाएगी। हफ्ते में एक बार लगाने से उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगेंगे तो आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी। और जिनकी ऑयली स्किन है वो रोज़ यूज़ करते सकते हैं, और जिनकी नॉर्मल स्किन है वो हफ्ते में दो बार इसका यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं इसको कैसे बनाना है। तो हम लेंगे अब बेसन। बेसन हमारे टैन रिमूव करने में हेल्प करता है, ऑयलनेस कंट्रोल करता है, और ये जो आपके पिंपल्स होते हैं उनको दूर करता है। और सेकंड हमारा जो है वो है हल्दी। हल्दी हमारे स्किन के लिए ग्लो लाता है, वो एंटीबायोटिक भी होता है, और जो स्कार्स रह जाते हैं एक्ने के बाद उसमें भी हेल्प करता है। थर्ड हमारा जो दूध है ये आपका नेचुरल मिल्क क्लींजर की तरह भी होता है, मॉइस्चराइज़ भी करता है आपकी स्किन को, और टैन रिमूव के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और लास्ट हमारा लेमन। लेमन जो हमारा होता है, लेमन से हमारे स्किन के जो पोर्स हैं वो क्लीन होते हैं, ग्लो आता है, और ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है जिनके स्किन पे स्कार्स हैं। तो ये हम अच्छे से इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को मिला लेंगे। आप चाहें तो लेमन स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको एलर्जी है। अगर आपको एलर्जी नहीं है, आपको लेमन सूट करता है, तो हम लेमन मिला सकते हैं। अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला लेंगे, इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। आप देख सकते हैं ये पेस्ट मैंने ये कम क्वांटिटी में बनाया है। अगर आपको अपने हैंड पे नेक पे लगाना है तो आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने अपना चेहरा क्लीन कर लिया है। मैंने यूज़ किया है ये क्लींजर। ये आपको मैंने इंस्टाग्राम पे इसका रिव्यू दिया था। अगर आपने अभी तक मेरा इंस्टाग्राम चैनल को नहीं लाइक किया है, फॉलो किया है, तो आप प्लीज़ जाएं और देखें इसका रिव्यू। ये बहुत ही ये नरिश मंत्रा का है क्ले क्लींजर। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और ये स्किन को आपको एक न्यू फील देगा, और आपको बहुत ही अच्छे से, देखिए मेरा चेहरा कितने अच्छे से क्लीन हो गया है। तो अब हम अप्लाई करेंगे अपना ये मास्क जो हमने बनाया है। तो इसको आप किसी भी तरह अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको ब्रश से अप्लाई करें, आप चाहें तो इसको हैंड से करें। मैंने ये बहुत ही कम क्वांटिटी में बनाया है। आप अपने हिसाब से, अगर आपको अपने नेक पे और हैंड पे भी अप्लाई करना है तो आप ज़्यादा बना सकते हैं। मैंने हम इसकी ये ऐसे करके एक लेयर लगा लेंगे। तो अब हम इस मेरा मास्क सूख गया है, इसमें मैंने रोज़ वाटर अप्लाई किया है। अब हम लोग जब मास्क ड्राई हो जाएगा तो उसके ऊपर रोज़ वाटर अप्लाई करके स्प्रे करेंगे और उसको अच्छे से मसाज करके अब हम ये वॉश कर देंगे। तो मैंने अपना चेहरा क्लीन करके नॉर्मल वाटर से आप क्लीन कर सकते हैं। देख सकते हैं चेहरे में कितना अब आप देख सकते हैं कितना शाइन दिख रहा है। तो अब आप अपना कोई भी नॉर्मल जो मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं, मैं अपनी ये मैजिक क्रीम जो मैंने लास्ट वीडियो में बनाई थी तो वो मैं वो अप्लाई करूँगी। इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको पता चलेगा मॉइस्चराइज़र उसमें। इसका एक और बेनिफिट है ये क्रीम का, जब अगर आप ये क्रीम यूज़ करेंगे
तो आपको बेस की ज़रूरत नहीं, आपको प्राइमर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट इसके बाद मेकअप लगा सकते हैं। देखें आप ये शाइन देखें। तो कैसी लगी आपको मेरी ये होम रेमेडी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, और पसंद करके प्लीज़ प्लीज़ सबको शेयर करें। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।